आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इमली की नई फसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सभी क्षेत्रों में तैयार हो चुकी है। वहीं इस बार पुराना माल ज्यादा बचने से बाजार अभी मंदा चल रहा है, लेकिन फसल में पोल से नई फसल पर व्यापार लाभदायक भी रहेगा। इमली की नई फसल उत्पादक मंडियों में लगभग तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि इमली की मुख्य फसल मध्य प्रदेश के जगदलपुर, बस्तर, बीजापुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर के अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं असम में होती है। अब धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल की इमली पिछले कई वर्षों से यहाँ कम आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माल पूरे साल आते ही रहते हैं। बीते सीजन में इमली का उत्पादन कम रहा था, लेकिन शादियां कम होने और कोविड-19 महामारी के चलते सीजन से 31 दिसंबर तक पूरे वर्ष जगदलपुर क्वालिटी इमली यहाँ 4000 से 4100 रुपये के बीच घूमती रही। पिछले पखवाड़े से कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ जाने से स्टॉकिस्ट भाव घटाकर बेचने लगे हैं, जिससे यहां जगदलपुर क्वालिटी 3700 रुपये रह गई है, तथा इन भावों में भी कोई लिवाल नहीं है। गौरतलब है कि जगदलपुर बस्तर लाइन में भी यही भाव चल रहे हैं, जिससे वहां से पड़ते नहीं लग रहे। नई फसल आने वाली है, लेकिन इस बार भी बार बार मौसम प्रतिकूल होने से तैयार फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि कितना माल आ रहा है। नए पुराने माल की दहशत से बाजार 2 से 3 रुपए किलो और घट सकता है, लेकिन 34-35 प्रति किलो की इमली में व्यापार चालू वर्ष के अंतराल बढ़िया रहने वाला है। वास्तविकता ये है कि इस बार टमाटर की फसल भी कम रही है, जिससे इमली की खपत बढ़ने वाली है। उड़ीसा, बंगाल एवं असम में पहले से ही ऊंचे भाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की क्वालिटी एवं उत्पादकता दोनों ही कम होने की खबरें आ रही हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी पुराने मालों में 2 से 3 रुपए की गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद इमली में तेजी भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।